अरे अरे, ये क्या, दीपिका भड़क गई विदेशी मीडिया पर, और उनका भड़कना भी लाजमी था। जी हाँ, खबर कुछ यूं है कि विदेशी मीडिया ने दीपिका को प्रियंका कहकर बुलाया है। चलिए नजर डालते हैं इस पूरी स्टोरी पर। विदेशी मीडिया द्वारा प्रियंका चोपड़ा समझे जाने वाली भूल पर दीपिका पादुकोण ने लंबे समय बाद अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ये केवल ध्यान नहीं देना ही नहीं बल्कि नस्लीवादी भी है। ये केवल मेरे नाराज होने की बात नहीं है। मेरे साथ आप सभी हैं जिन्हें नाराज होना चाहिए। ये केवल लापरवाही या अनदेखा करना नहीं बल्कि नस्लीवादी भी है। उन एक रंग के दो लोग एक नहीं हो सकते। भारतवासी होने के नाते आपको उन्हें इस बारे में बताना चाहिए, न कि उनकी एक्साइटमेंट बढ़ानी चाहिए। दीपिका ने यह बातचीत लॉरियल के एक इवेंट के दौरान की। जब उनसे इस कंफ्यूजन के पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, नजरअंदाज करना ही होता है। मुझे इनके लिए बुरा लगता है। हाल ही में प्रियंका ने भी इस पर बात की। उन्होंने कहा कि दीपिका को मैं समझना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्राउन फेस हूँ जिसे सभी जानते हैं। हर ब्राउन लड़की एक जैसी नहीं दिखती। ना करे, ये ठीक नहीं था। वो भारत की एक बड़ी स्टार है। हम आपको बता दें कि हुआ कुछ यूं कि दीपिका अपनी फिल्म ट्रिपल एफ रिटर्न ऑफ द जेंडर केस की सफलता पर आयोजित की गई पार्टी के लिए लॉस एंजेलिस पहुंची थी। दीपिका जब एलेक्स एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी तो फोटोग्राफर ने दीपिका को प्रियंका कहकर पुकारा। इस पर दीपिका ने फोटोग्राफर को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी कार की ओर बढ़ गई। मालूम हो कि दीपिका जल्द ही संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म पद्मावती में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली ने दीपिका पादुकोण पर एक गाना शूट भी कर लिया है। फिल्म में दीपिका रानी पद्मावती के किरदार में नजर आएंगी।